The gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative, M Y नहीं आएगा इसे confuse मत होइएगा, 1 molar Y negative, right? And 1 molar Z negative at 25 degree centigrade. X pass करी है और Y negative है solution देखिए क्या है? इसमें gas X pass करी है और इसमें Y negative है और Z negative है इसमें ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज जेड से ज्यादा क्या बताया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल राइट गाइस वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उतना ही बुरा रिड्यूजिंग एजेंट राइट गाइस नाओ अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है तो मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बनाऊ तो क्या हो जाएगा Z सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिन Y, देन X, एंड अगर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बनाऊंगा वो उल्टा हो जाएगा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X, देन Y, देन Z। अब जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है Z कैन ऑक्सीडाइज Y एंड X, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उससे फिर कम उसका सपोज मैं वैल्यू दे दू टेन ट्वेंटी एंड थर्टी ऐसे हाइपोथेटिकल राइट सो इसका मतलब क्या है कैन कैन एंड लेकिन जेड को नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है सिमिलरली जो एक्स है वो ऑक्सीडाइज ना तो जेड को ना वाई को किसी को नहीं कर सकता उसे रिड्यूज हो सकता रिड्यूज कर सकता है समझ रहे हैं आप आपका इसमें क्या कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है Y will oxidize X and not Z. Y will oxidize X and not Z. Z ये सही है. Y will oxidize Z and not X. ये गलत है. Y will oxidize both X and Z. गलत है क्योंकि इसका जितना अगर ज़्यादा वाला oxidation potential, reduction potential है, तो oxidize नहीं कर सकता. Similarly, so, Y will reduce both X and Z. Now, Y can reduce Z. उल्टा हो जाएगा ना?